कि आप ये ले लो, आप वो ले लो, आप ये पैकेज है, वो पैकेज भाई है पैकेज का मतलब क्या, ये हनीमून का पैकेज भाई, ये हनीमून का आपका जैसे होता है ना 4 नाइट अच्छा 3 डेज, अच्छा वैसा तो पैकेज होता था भाई कितना पैकेज देते थे आपको? भाई, आप जितना बोलोगे उतना बना देंगे। नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। आज मैं आ गया हूँ विवेकानंदपुरी, एक ऐसे जिम में जहाँ के एक एथलीट की बात मुझे सुन के इतनी हैरानगी हुई कि यार ये बंदा 14 से 15 घंटे नौकरी कर रहा है, ही स्टिल फॉलोइंग हिज पैशन बॉडी बिल्डिंग। मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, ये बंदा बाय प्रोफेशन ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बाय प्रोफेशन ही इज़ अ बॉडी बिल्डर। आप फोटो तो देख ही रहोगे। आइए मिलाते हैं आपको सीधा विक्रम भाई से। हाय विक्रम भाई। बड़े हाय दिवाकर भाई, कैसे हो? भाई आप कैसे भाई? एकदम बढ़िया, भाई बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई, बिल्कुल भाई, और बाय पैशन बॉडी बॉडी बिल्डर बिल्डर भाई, ये रेयर कॉम्बिनेशन कैसे भाई? बस भाई, पैशन बॉडी बिल्डिंग हमेशा से पैशन रहा है, अच्छा और चार्टर्ड अकाउंसेंसी तो घर वालों ने बोला करनी है, तो फिर जिस चीज़ में घुस गए तो फिर कर दी भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने तो सुना भाई उसकी किताबें इतनी सारी होती भाई। हैं, बहुत तो भाई वो सारी किताबें उठा के बॉडी बनाई है कि डंबल उठा के बॉडी बनाई है? भाई, किताबों ने दबा दिया था, अच्छा जिम बॉडी बिल्डिंग ने उठा दिया। आए, तो भाई मतलब मैं पूछना चाहता हूँ भाई, एक तो वो फेज जो सीए की लाइन में आपका आया, बिल्कुल भाई। वो फेज क्या था भाई? भाई पहले फिटनेस की तरफ पैशन था, अच्छा रनिंग करते थे, पार्क जाते थे, फिर सीए में आ गए। सीए में ऐसा हुआ कि जब आए तो फिर देखा कि ट्रेनिंग, स्टडीज, अच्छा, कोचिंग। तो भाई कितने घंटे की मतलब होती है आपकी पढ़ाई, कितने घंटे की होती है, स्टडी कितने घंटे भैया करते थे? सुबह उठते थे, कोचिंग जाते थे, अच्छा अच्छा कोचिंग से सीधा ऑफिस, ऑफिस से फिर कोचिंग, घर अच्छा आए सो गए, अच्छा फिर पढ़ाई की सो गए, अच्छा फिर एग्ज़ाम की तैयारी करी, तो फिर तो कोई टाइम ही नहीं है, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, जितना पढ़ सकते हो उतना कम है सीए में। अच्छा तो ये शेड्यूल कुछ 5-6 साल चला, और अच्छा उसके बाद जब मैं सीए करके निकला तो मेरा वेट था 92 भाई सीए ज्वाइन करने से पहले कितना था भाई? भाई 66। 66 और 90 की जी दौड़ जिस 5 साल में, हाँ ये तो भाई आपने भाई वो पते पंचवर्षीय योजना आपने तो पूरा फायदा उठाया भाई इसका। भाई क्या कर सकते हैं, अब जिस चीज़ में घुसे थे उसको कंप्लीट करना था, अच्छा तो फिर आग सारी चीज़ें उसी पे फोकस करी। तो भाई मैं सोच सकता हूँ एक 66 मतलब जो 60 60 AG का लड़का 90 पहुंच गया भाई, उसका माइंडसेट क्या रहा होगा भाई उसके बाद सीए बनने के बाद भाई? भैया सीए बन गए, बट जब हम इंटरव्यू जाते थे या फिर कहीं जाते थे तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, अब क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मोटा नहीं था ना, मैं स्टार्टिंग अच्छा से फिटनेस में था, तो मेरा अंदर से एकदम से इतना देख के मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा कम हो जाता था, और वो सीधा इंपैक्ट करता था मेरे इंटरव्यूज़ में, अच्छा क्योंकि मैं अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं हूँ तो मैं आंसर्स में क्या कॉन्फिडेंस रहूँगा, तो उससे बड़ी दिक्कत आई। तो फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि नाउ इट्स द राइट टाइम टू चेंज माई बॉडी, अच्छा तो मैंने उस दिन जिम ज्वाइन कर लिया। अच्छा तो भाई उस दिन जिम ज्वाइन कर लिया, तो भाई जर्नी कैसी रही जिम की आपने, मतलब क्या कवर करा, कैसे कवर रही भाई आपकी जर्नी में? जर्नी भैया पहले तो देखो अपना रनिंग वगैरह स्टार्ट करी, अच्छा फिर कोचिज़ आपको पता ही है कि सब कोचिज़ ऐसे नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द कोचिज़ कि आप ये ले लो, आप वो ले लो, आप ये पैकेज है, वो पैकेज भाई ये है। पैकेज का मतलब क्या, ये हनीमून का पैकेज भाई ये हनीमून का भाई? आपका जैसे होता है ना 4 नाइट अच्छा थ्री डेज, तो अच्छा वैसा पैकेज होता तो भाई था कितना पैकेज देते थे आपको? भाई। आप जितना बोलोगे उतना बना देंगे। अच्छा हाँ भाई आप ये तो वो चल रहा है कि गोवा जाना है या श्रीलंका जाना है भाई? भैया देखो 40 का भी बताया किसी ने, 50 का भी अच्छा बताया, 90 का भी बताया, तो भाई ये आपने बोला नहीं कि मेरा सिंगल का बता रहे हैं, सबके बता रहे घर वालों का? भैया बताते थे बट उस टाइम इतना था ही नहीं कि हम इस अच्छा चीज़ में कर सके, बट फिर खुद सर्च करके, यूट्यूब से देख के, फिर काफ़ी लोगों से सीख के खुद नेचुरली स्टार्ट किया, अच्छा तो ऐसे करते करते धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। तो दोस्तों मैं इनके एक बार नेचुरल की पिक डालता हूँ, यहाँ पे आप जो देख रहे हो इनकी नेचुरल की पिक है, तो भाई ये इनकी नेचुरल की, भाई ये नेचुरल कैसे पहुँचे इतना भाई आप? भैया दो चीज़ें पता थी बस, अच्छा हैवी वर्कआउट अच्छा और खाना है जितना अच्छा मर्जी, उसके जितना अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। मर्जी तो भाई मीठा वीठा सब कुछ, भैया कुछ डाइट की नॉलेज नहीं थी, अच्छा सिर्फ ये था कि हैवी वर्कआउट करना है अच्छा और आपको खाना है, दबा के खाओ, दबा के खाओ जो मिले वो खाओ, जो मिले वो खाओ। तो भाई फिर ये जो इतना श्रेडिंग हुए तो उसमें क्या भाई, खाना पीना उसमें इतना था कि कैसे? नहीं नहीं भैया उसमें तो बहुत मेहनत लगी। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं नेचुरल एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि मेरी बॉडी ग्रो नहीं कर रही थी, और अच्छा मेरे को ऐसा था कि मुझे अब एक इवेंट करना है या फिर मुझे एक एक मुकाम करना है, तो फिर मैंने अपने कोच जो मेरे हैं मिस्टर अजय सेमवाल, वो भी एक बहुत अच्छा एथलीट है, काफ़ी बच्चों को ट्रेन करते हैं, मेरे घर के पास रहते हैं इनफैक्ट, फिर मैं उनके पास गया, उनकी गाइडेंस में मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, मैंने उनको बताया कि मेरा गोल क्या है, भाई
फिर धीरे 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 हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करी। तो भाई मेरा एक और पॉइंट यहाँ पे आया भाई, क्वेश्चन है मेरा एक भाई, सीए से आपने हार्डवर्क भी सीखा, डेडिकेशन भी सीखी, कंसिस्टेंसी भी सीखी, क्या वो बॉडी बिल्डिंग में काम आई भाई? बिल्कुल भाई। अच्छा, अब आप सीए के एग्जाम देते हो, फेल हो जाते हो, अच्छा 6 महीने बाद दोबारा देते हो, फेलियर भी देख लिया भाई, फेलियर भी देख लिया, कॉन्फिडेंस भी आ गया, सीए पास हो गए, अच्छा वहाँ पे इतनी मेहनत करी, हार्डवर्क आ गया, अच्छा डेडिकेशन आ गई, अच्छा तो ये सारा अप्लाई किया सीए में, इन सॉरी बॉडी बिल्डिंग में। अच्छा, इनफैक्ट जब मैं प्रेप कर रहा था तो ये होता था कि मैं सुबह 4:30 बजे उठता था, अपने पूरी दिन की डाइट बनाता था, अच्छा देन सुबह 6 से 8 जिम, देन 9 से रात को ऑफिस का कोई आने का टाइम नहीं था, अच्छा 11-12 बजे आना, सोना, एंड देन अगेन अगले दिन वही पूरा शेड्यूल। भाई मतलब इतना हार्ड शेड्यूल रहता है आपका, मतलब नौकरी भी जाना और तो दोस्तों जो अभी मैं मतलब उदाहरण जो बहाने लगाते ना कि भाई नौकरी कर रहे हैं नहीं जा पाएंगे, भाई उनको एक मैसेज दो भाई। भैया देखो, अगर आपको गोल अचीव करना है ना तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, अच्छा और आपके पैशन के आगे आपकी एफर्ट जितने लगाओगे उतना ही अच्छा होगा। भाई आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाई, इस चीज़ पे मेरे को एक सवाल है, आपने कहा मैंने प्रेप करा भाई, आज एक चार्टर अकाउंटेंट से पूछ रहा हूँ, ये झूठ नहीं बोलेगा दोस्तों, भाई क्या नेचुरली प्रेप होता है, क्या सामान लेना पड़ता भाई? देखो भैया, मेरे व्यूअर्स के लिए भाई सच बोलना भाई, भैया देखो आज के टाइम पे नेचुरली प्रेप नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, अगर किसी को, मैं लोगों को ये जरूर एडवाइस करना चाहूँगा कि जिसको फिटनेस पसंद है, जिसको फिट रहना है, उसको कोई सामान या कुछ यू नो बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट जिनको ऑब्वियसली जो एथलीट्स हैं या फिर जो यू नो प्रेप करते हैं, जो कुछ भी लोग तैयारी, वो ऑब्वियसली दे विल टेक और दे ड्रग्स और यू कैन से इनहेंसर्स। अच्छा हाँ, तो भाई ये तो बात हुई कि नेचुरल और उसमें परफॉर्मेंस में, भाई आगे के क्या विचार है भाई आपके बॉडी बिल्डिंग को लेके, कि आगे कोई गेम खेलोगे क्या, नहीं खेलोगे कभी, आपने गेम खेली भाई? भैया 2020 में प्लान था, बट वो कोरोना करके थोड़ा सा स्टिल शिफ्ट हो गया, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इन 2021। मैं एक गेम खेलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि स्टेज का क्या होता है, अच्छा। फियर क्या होता है, स्टेज फेस करना चाहता हूँ बेसिकली। अच्छा, तो ये प्लान है अभी तो फिलहाल। तो 2021 के लिए इनको बेस्ट ऑफ लक भाई। एक बार अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता दो, अगर मेरे किसी व्यूअर को कुछ डाउट है तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपके इंस्टाग्राम पे भाई। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम है। अपना एक बार हैंडल बताओ भाई। मेरा हैंडल है vikram.rajput4। अच्छा, तो दिस इज माई हैंडल। तो दोस्तों जो आपके मन के विचार है ना, ये भाई ने सच बता दिया आज, इनसे बात करिए। और दोस्तों जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने भाइयों से शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाइए, ताकि उनको भी कुछ बॉडी बिल्डिंग के बारे में जानकारी मिले, और अगर उनको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें ऐसे ही प्यार दिखाते रहें। दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं आपको अगली बार मिलूँगा एक नए एथलीट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।